आप भी देखिए इस तरह का बन चुका है अभी, ये देखिए खारी बन गया, खारी खारी आज हम बनाने जा रहे हैं पूरी, मस्त पैकी पूरी। आज पूरी खाने का मन है तो आज पूरी बना रहे हैं। चलो देखते किस किस तरह बनती है पूरी, एकदम आसान तरीका है। हमने ये मैदे का आटा लिया क्योंकि मेरे पास मैदे का आटा था, इसलिए मैं मैदे के आटे का बना रहा हूँ। और उसमें थोड़ा जीरा मिक्स कर दिया और यहाँ पे थोड़ा पानी, गर्म पानी में शक्कर मिक्स किया, थोड़ा शक्कर भी डालेंगे, थोड़ा उसमें लालपन आ जाएगा पूरी में। चलो फिर इसको मिक्स करते हैं आराम आराम से, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के मिक्स करेंगे इसे। मेरे पास थोड़ा केसरी मेथी थी तो उसको मैं थोड़ा सा डाल दिया हूँ, मैं अपने तरफ से फ्लेवर के लिए डाल दिया हूँ। यहाँ पर आप चाय डाल भी सकते हैं, नहीं भी डाल सकते, मैंने डाल चुका हूँ। चलो तो इसे मिक्स कर लेते हैं। इसमें मैंने अभी तेल भी डाल चुका हूँ, तो मैदे का डाला चिपकता है, इसके तेल डालने से थोड़ा चिपकेगा नहीं करके, थोड़ा आसानी होगा मुझे ये करने में। मैं अभी तेल भी डाल चुका हूँ, अभी थोड़ा थोड़ा कर इसको मिक्स कर लेते हैं अच्छी तरह एकदम, ठीक है। इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के मिक्स करना है, एक साथ पानी नहीं डालना है, थोड़ा सा पानी डालना है, इसको मिक्स करना है। अभी देख सकते हैं मेरा हो चुका है अभी, इसे अभी हम आधा एक घंटा के लिए ढक के रख देंगे। शायद तो कपड़े से ढक के रखनी चाहिए, अभी मैं कपड़ा नहीं है यहाँ पर, तो मैं प्लेट से ढक दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, जो अपने पास चीज़ है उसे हम काम चलाएंगे। ओके, मैं बना रहा था पूरी, अभी बाद में वो मैदे का आटा इतना टाइट हो गया, पूरी तो नहीं बन पाया, राउंड नहीं हो रहा, पता नहीं शायद कुछ मेरे से गलती हो गया, वो आटा बहुत टाइट हो गया, तो अभी कुछ ना कुछ तो बनाना पड़ेगा। तो मैंने इसको बना दिया रोल, देखो इस तरह मैंने रोल बना दिया। इतना आटा टाइट था तो मैंने क्या किया, अभी क्या करूँ, आटा फेंक तो नहीं सकता, जो रोल ही बना दिया, उसके लिए रोल को ही फ्राई कर रहा हूँ। देखो कुछ बना रहा था पूरी, लेकिन क्या बन चुका आप भी देख सकते हो। चलो कुछ ना कुछ देखते, कोई बात नहीं, हार नहीं मानेंगे, फिर एक बार ट्राई करेंगे। कोशिश करने चाहिए जरूर। आप भी देखिए इस तरह का बन चुका है अभी, ये देखिए खारी बन गया, खारी खारी